पर जागे प्रयासे नहीं कर जागे कि नहीं। अभी अभी बताइए कि कुछ पाए पर कुछ खोल पढ़ी, कुछ पाना है तो कुछ खोल पढ़ी। अब जब पाना तो नहीं है तो हम लोग सोच न पड़े कि सो गए मैं सबों सब है ना, यही तो बड़ा दुखदाई है। चलिए बोल महादेव की जय। चलो कितना झन जागत हो ते मन को कम से कम सुनाओ। अब ये सो गए पिकर ही संदा ये हमार कोदवा के डीडो घर कहो सुन ही रहे हो है ना। बोल महादेव की जय। आज के लीडर महा पूजा बेटा जोतिया के पावन पर्व पूजा पर उपस्थित समस्त गुणवाना भूभाग के मातृशक्ति पितृशक्ति युवा साथी और कोदवा के समस्त देवी देवता के चरणों में मेरा सेवा जोहार। इस आयोजक समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके चरणों में सेवा जोहार। हमारे संस्कृति को सजो कर रखने वाले कोदवा वोटी कर्मनित्य दल मुंडा टोला के कर्मनित्य दल और हमारे समस्त भूमिका के चरणों में मेरा बहुत बहुत सेवा जोहार। साथ ही मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं यही कहूंगा कि जो हमारे समाज में मैं आपको जगाने के लिए नहीं ना कुछ बताने के लिए, मुझे पता है जो जितने भी बैठे हुए हो ना जो मातृशक्ति पितृशक्ति वो सब सीखे हुए व्यक्ति हो, सब जागरूक हो। आज जो जागरूक नहीं है वही समाज को कमजोर करने के लिए लगे हुए हैं। हमको पता है आपको कमजोर करने के लिए, वो आपको कमजोर नहीं कर रहे हो लोग, स्वयं कमजोर हो रहे हो लोग। और समस्या है तो रहने दो, आप लोग ही काफी हो समाज के लिए। मैं तो यही कहूंगा ये मेरा पाठशाला, मेरा पहला पाठशाला है तो कोदवा है। कोदवा में क्या चीज नहीं है, हमारे बड़े बड़े यहाँ के स्यान है, हमारे नंदू गुरु जी शिव चरण गुरु जी नेताम सर जी, ये लोग तो नौकरी में, इनको क्या चिंता क्या फिक्र है समाज के। पर नहीं, हमको समाज को बताना है, कुछ दिशा देना है, इनका उद्देश्य है। आप लोग यहाँ आए हो, समाज में हजारों समाज के लिए जीते हैं, पर समाज के जीने वाले लोग कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने लिए मांगते हैं। पर ये जितना जो गुंडवाना जो कोदवा के धरती में बैठे हो, यहाँ के शिमला दाई के कोरा में बैठे हो, वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सुख समृद्धि मांगने के लिए यहाँ पर आप लोग बैठे हो आ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही मैं कहूंगा कि आज ये जो कोदवा है वो समुद्र है, संस्कृति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे है। जो आज मैं एक कविता के माध्यम से बता दूं, पानी पर मास मारे उठगा गुणवाना सागा, पानी पर मास मारे उठगा गुणवाना सागा, काहे के बैठे वाह।
रुपया आज क्यों? ये हमारे संस्कृति को यही गोदवा के लोगों ने बताए हैं, यही से सृजन यही से किए हैं। पर आज हमारे समाज के लोग, कई को हमने देखे व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे समाज को, समाज के मुखियाओं को हमारे गुरुजी ने सबको जा जाकर निमंत्रण दिए हैं, पर पता नहीं इनके मन में क्या है। ये लोग उलझ चुके हैं, ये बड़ा देवालय है, ये बूढ़ा देवालय है। हम तो खुले मंच में बोलने वाले हैं, क्योंकि इस समाज को वही लोग बिगाड़ रहे हैं, वही लोग तोड़ने के प्रयास करते हैं। पर साथ ही हम लोग बिगड़ेंगे नहीं, हम समाज को जगाने वाले हैं। हम पीछे मुड़कर मत देखने में आपसे मेरा निवेदन है, चाहे लोग कुछ भी कहे, आपको आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और देखना है तो सीधा हमको आगे ही देखना, और आगे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। जब तक हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम पीछे लौट के नहीं देखेंगे। और आएगा कहा जाएगा, वो एक दिन जरूर आएगा साथी। इनको पता नहीं ये बुढ़ा देव कौन है, बड़ा देव कौन है, और यही है बड़ा देव मानने वाले और बुढ़ा देव मानने वाले ही ज्यादा बुद्धिमान लगते हैं मुझे तो, है ना। और सिर्फ एक ही को पकड़ लिया, किसको? हम तो बुढ़ा देव वाले हैं भैया, ये बुढ़ा देव वाले ज्यादा शिक्षा हो चुके हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं तो खुले मंच में खड़े कर दो, एक शब्द नहीं बोल पाते हैं और बताने के प्रयास करते हैं तो पकड़ते नहीं, है ना। उनको बुला दो, उनको ये बुला दो, एक तरफ मट्टी के चूहा रख दो, एक तरफ जिंदा चूहा रख दो और कुत्ता हमको बना दो, और ये समाज कहे अरे संतरा कुत्ता तुम किसको पकड़ोगे? तो मैं तो जिंदा को पकड़ूंगा, मट्टी वाले को नहीं पकड़ूंगा। पर ये जो कहते हैं ना, ये बड़ा देव वाले हैं, इनको अगर कहोगे तुम किसको पकड़ोगे तो मट्टी के चूहा को पकड़ेंगे नहीं। ये अंतर है इस समाज में, यही कारण है, यही कारण है समाज के पीछे का कारण। साथी आप सोचने का विषय है ना। अरे जानवर भी समझते हैं कि मैं किसको पकड़ूंगा तो मुझे फायदा किसमें है। पर कुछ हमारे समाज के लोग बोलते हैं कि हम वो जिंदा चूहा को नहीं पकड़ेंगे भैया, वो मट्टी के चूहा को पकड़ेंगे, उसमें फायदा है बोलते हैं। नहीं, ये बड़ी सबसे बड़ी दुर्दाई की बात है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मुझे पता है, मुझे पता है कि आप लोग सब लोग संस्कृति के नाम से, धर्म में, शिक्षा में, हमारे धार्मिक क्षेत्र में, देवी देवताओं में मानने में आप लोग सब लोग उनसे भी आगे आप लोग हो, वो लोग बहुत पीछे हैं। ऐसे साथी जो आज मैं जगाने का काम कर दूं, बोल बुहा देव की, चिल्लीडा माता की जय सेवा, है ना। सोच राम लोग सो अमल उठाने के बाद नहीं, कम से कम मन सुख जानती से सो जाकर मस्त ऊपर नींद तो पक जाए, है ना। मैं कहूं तो शक्ति जागे, शक्ति जागे मोर व्यक्ति सोवे, वो सोवे वो गुंडवाना के लोग, है ना। शक्ति जागे मोर व्यक्ति सोवे, सोवे वो गुंडवाना के लोग, है ना। अब बात हाथ में, हा शक्ति जागे व्यक्ति सोए और जागे वो गुंडवाना के लोग, गोरवाना के देवी देवता नहीं जा सकेंगे, इकरे कारण नहीं जाके सोहिया मन देखा है। हमार शक्ति जागा थे, ये मन फसल फसल सोवा थे, तो हमार शक्ति जागते थे ना, तुम व्यक्ति मन सोना है तो सो जा। पर यही हमार बड़े बड़े महापुरुष मन बोले, शक्ति जागे तो व्यक्ति जागे, और व्यक्ति जागे तो पूरा समाज जागे। लेकिन क्या करते, सोहिया मन के कारण हमारे समाज में जागा थे, ये बड़ दुखदायी है। उठा बोला कई ढंग बोल सकते, कई ढंग एक ढंग आदमी तीन ढंग दिखी करो कभी, नहीं तो अभी उठा देख लो एक दिन में मन गहरा दिन में, अभी उठाओ ना तो कैमरा वाले में लोग दो दो तीन तीन ढंग दिखियो माला, ये बड़ा दुख की बात है। नहीं बोले बोले
महादेव की। और भूमका जागे मोरते पा जागे वो जागे वो सहर जाई भूमका जागे मोर सा जागे जागे वो सहर गौरा गीत में भी सुने हो नहीं बैगा जागे मोर बैगा जागे वो सहर जाई जगाने के लिए है। आज बहुत ही दुख की बात है, आज इतना बड़ा कार्यक्रम में यहाँ तो हमारे बहुत बड़े हमारे श्यामों को निमंत्रण दिए हैं, साथ यही कारण है, नहीं जागने का कारण भी है। करे तो क्या करे, हम देखे हमारे नंदू गुरु जी यहाँ के हमारे यहाँ के श्यान है चैतू राम खुसरो जी, ये हमारे सीनियर है, ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। मैं भी था यहाँ, मैं तो यहाँ बहुत बहुत कार्यक्रम में आया हूँ दादाजी के साथ में, गुरु जी के साथ में। साथ ही यहाँ के जो जड़ है वो कोदवा है, कोदवा इस खेड़ागढ़ क्षेत्र का जिला से जो जड़ है वो है ये कोदवा है। और साथ ही आज उसी जड़ को जल टुकड़ा बोलते हैं, नहीं जो जल को खोलते हैं ना जल टुकड़ा बोलते हैं उसको, तो यहाँ जल कुकड़ा के भी कमी नहीं है, यहाँ कोदवा के जड़ को खोदना चाहते हैं। नहीं अरे क्या खोदोगे, अरे कोदवा का जड़ इतना मजबूत है जो खोदने वाला जल कुकड़ा ही खोदा जाएंगे, ये होने वाला है आपको, है ना। मैं वहां भी बोलता हूँ मुंडा डोला में, और ये कार्यक्रम अब जिला में होंगे इन्हीं के नेतृत्व में। आने वाले साल में मैं आपको वचन देता हूँ ये कार्यक्रम हमारे फत्ते मैदान खेड़ागढ़ में करके दिखाएंगे हम किया हुआ। और आज भी वास्तव में बोले भैया दादाजी दादा सम दादा ये तो कार्यक्रम जिला में होना चाहिए बोले। हमने कहा हाँ दादा आपका सबका सहयोग मिलेगा तो हम जरूर जिला में करेंगे, और क्योंकि जब तक नहीं करेंगे तो जगेंगे कैसे, मानेंगे कैसे, है ना। हमने कहा ना ये जो है छोटे मोटे शक्तियां नहीं है, पर हम क्या करें, दबाना चाहते हमारे समाज को हमारी संस्कृति को दबाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। इसके साथ ही हमको मैं आपसे भी ज्यादा समय नहीं लेना क्योंकि भी और भी वक्त है ना, जो मैंने कहा ना दाई आपसे निवेदन है, आप लोग शक्ति हैं, आप हमें भी जन्म देने वाले हो तो आप लोग हो, इस समाज को जगाने वाले हो तो आप ही लोग हो, क्योंकि आप में ताकत है। मैं तो कहूंगा ये दुर्गा से भी बड़े दुर्गा आप लोग हो, ये दुर्गा मनाते हैं ना ये दुर्गा से भी आप लोग बड़े दुर्गा हो। वो भी क्या अंतर है, है? वो भी साड़ी पहनी है ना, ब्लाउज पहनी है, सब कुछ है, पर
आपके जो शक्ति उसमें नहीं है। नहीं तो ज्यादा खुले मंच में नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तो है ना पश्चिम बंगाल, बंगाल है ना, है ना पश्चिम बंगाल के बारे में बताऊं, कई लोग सोच में पड़ जाओगे, फिर सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि पता है कुछ शब्द को इस जगह में हम नहीं बोल पाएंगे भी, क्योंकि हमारी ही भाई ज्यादा सिखा है, हमारी भाई ज्यादा दुश्मन है। आप तो समझ जाओगे पर वो नहीं समझेंगे, जाके कहेंगे कि संत रामचंद्रिया जी ने ऐसा शब्द बोले हैं, क्योंकि लड़ने वाले नहीं है। जिस दिन संत राम को जेल हो जाएंगे सब का पूछी दबा के निकल जाएंगे, हमारे समाज में ऐसे है, क्योंकि हमें तो बहाना, हमें तो अपने ही लूटा दूसरों ने कहा दम था, गुड़वाना को बर्बाद करने वाले और कोई नहीं, हमारी भाई था हमारी भाई, जो जो विभीषण है ना, विभीषण ने भी अपने भाई को मरवाए हैं, वैसे हमारे राजा महाराजाओं को भी हमारे भाई ने ही मरवाए हैं, हमारे राजपाट को भी छीना है, तो हमारे विभीषण भाई के कारण छीना है, और राजनीति में भी हार हुई है तो हमारे ही विभीषण भाई के कारण हुआ है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि साथी जब तक हम अपने बारे में नहीं जानेंगे, अभी कहे ना हमारे कई, मैं फिर एक बार बोल दूं, मैं कई अलग अलग राग लेते हैं, नहीं हम तो बोलते हैं भैया गुंडवाना की बात करते हैं तो बोलते हैं भैया ये संतराम गुंडवाना वाले हैं, दादा मरकाम के बारे में सुने होंगे, दादा मरकाम हीरा सिंह मरकाम ने अपने पूरा जीवन त्याग दिया समाज के लिए, पर दादाजी को क्या मिला बताइए, बड़े बड़े महापुरुष हैं, आज भी हमारे समाज में बड़े बड़े करोड़पति हैं, पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दादा हीरा सिंह मरकाम ने गांव गांव घूम घूम करके समाज को रात रात भर जगाने का काम किया है। आप क्या लिखते हैं केरवासी है ना, जब मैं मरूंगा तो क्या लिखेंगे पता है आप लोग, व्हाट्सएप में क्या लिखोगे, केरवासी भाई संत रामचंद्रिया लिखोगे है ना, जब मैं मरूंगा ना तो सबके व्हाट्सएप में यही लिखेंगे केरवासी दादा संत रामचंद्रिया। जब दादा ने आई जगह पहली काली खबरी से पता है स्वर्गीय संत राम छेदैया है ना, ये किसका देन है पेनवासी, दादा हीरा सिंह मरकाम का देन है। हम कोई कार्यक्रम में जाते थे वो गुलाल लगाते थे नहीं, जब कोई आदमी जब मरते हैं तो जब मरघट की ओर ले जाते हैं तो गुलाल छिटके हो जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और भावर घुमत घुमत कर राम नाम सत्य बुरा तब तुम खुद खुद ने ठाई गलो, गलत तो नहीं बोला था, लोग तो बोलते ना राम नाम सत्य है ना, बहुत पवित्र है, जब बहुत पवित्र है तो दूल्ही दूल्हन बेटी बेटा शादी करूं दस हजार ऐसे भावर घूमते दस हजार इसे बोलू बोला राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है ना, ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा। तब हम भी मैं जब पढ़ता था आठवीं दसवीं पढ़ाता उस समय सात कर बजे आप सीखा रहा हूं, पहले शुक्रवार के दिन खट्टरी बनवा दे कहा के खट्ट मत बना दे संतोष तू पाप काम में पहले हम उपास रहे बता संतोषी उपास, सोमवार के दिन शंकर भगवान के उपास, हमारा दाई कहे कैसा उपास सीखा रहे, तब पढ़ा कहा तब ऐसे हूं मतलब देव कहा हे बुढ़ा हे संतोषी दाई है हे शंकर भगवान को दसवीं पास कर दे, पहले वही दिमाग में बसे रहे नहीं आप ऐसे लगते नहीं 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 गलत हो गए है ना, पढ़ाई करके तेरे पास आए उपास हो रही में नहीं हो, ये सबला ये समझना है, हमें सबला काले सीखे ये गुंडवाना या आंदोलन से सीखे ना, ये सच्चाई है ना, दान करे से पुण्य करे कहे तो है ना, अरे बड़े बिहनिया दे दे दान, दान करे के है तो कहां जय गुणवान, बड़े बिहनिया
पास सेवा मना ही नहीं गठरी डाली किन में धर के कुकुर भूखी तब नहीं डर रहा है बस सेवा मत कुकुर कुकुर भूखी ना तब नहीं डर रहा है बेटा एला भी समझना है काकी तुम दान करू ना तो ऊपर दान दी के दी देख ले पहले हम दान देते रहे अपने डर लगे पहले दान दे तो हमला शराब के दी काटी आप बताओ हम बोला वही के दान दे दे ना हम लोग उंगली ऊपर दान दिखा दी ये कौन बताए दादा मरकान गुड़वान आंदोलन के माध्यम से बताई कि नहीं बेटा नहीं आप लोग अपने घर में दान करते हो और आपको दिखाते हैं ऊपर तरफ उनको प्रश्न करो कि नहीं तू ही ऊपर से मांग के लाके दिखा दो ये आंदोलन गुंडवाना आंदोलन से सीखे है अब तो हमें ना तो पाप और पुण्य है और इसलिए हमारे में एक कहावत है ना आजकल बहुत बड़े जब हमारे दाई दादा मन छोटे छोटे रहे था हमारे डोकरी दाई ना वहां का काका हीरा मोर बेटा मोर सुआ है दोनों जांगला सके दीदी डोकरे का ये मस्त बैठा के ना वाकिस नहीं रविंद्र नगर के साथ मोर हीरा मोर बेटा अब हीरा बेटा सुख शांति के लिए आए तुम्हार फरवाटी मार के छोड़ देता है ना यही हीरा हीरा मोती के सुख और शांति के लिए आए नहीं हो यार तो कैसे बनी बताओ ये बात हमला समझना है और हम अपन अब ही कहे गए हमार गोंडी में कहा जावे गंगा कहा जावे काशी कहा जावे गंगा कहा जावे काशी अब गजब पवित्र है दीदी हो रेमटा रेमटी भाषा के पहली बार ममा रहा है या बड़वा मूछक रहा है बड़े मामा हमारे है ना बड़े मामा कहा लगे जब मैं खाए बैठो भाचा एक गुण दे दे का है एक गुण दे दे एक गुण छोड़ दे भाचा का है पहले श्याम माना जूठा खाए भाचा भाजी के अब आपके मन है थोड़ा संकोच मन से थोड़ा छोटे लेता तो खापे नहीं करे नहीं नाक पाप को हाथ है टीके ये दिक्कत है तो साथी ये हमारे में भाचे और भाचा ही हमार देवी और देवता है कंझट लगा था क्यों आप लगा था नहीं लगा था हाँ बोले बुढ़ा देव की माटी के भावो रामा माटी खेलाया दाई माटी के भावो राजा दूसरा बेटा जो किया अच्छा ये बताओ जो बहुत देर से बैठे बैठे सोचा था मैं दाई मैंने कुछ प्रश्न पूछूं अच्छा धन कमर्शक के जाने को बताओ बोला नहीं रहा ना बोल पता नहीं इतनी रहा था तभी रहा है सही है ये जो है वो जो है ना वो कमर्शक वो भी बेटा वो बेटी के हैं जब इसमें नहीं जुड़े थे ना तब ये दाई मार कमर्शल बाहर रखने में जुड़े कर साहब है ना पर ये वो जो है जो पुरोहित ने कब्जा कर लिया उसे आज भी देख लेना काशी में आठ गठान होते हैं काशी जानते हो ना काशी काशी में आठ ही गठान मिलेंगे आपको देखना कल देखना कल काशी को देखना आठ ही गठान मिलेंगे काशी में और दो गड्ढा जो हमारे संतोष बताए ना पति और पत्नी अर्थात धरती और बीज जब तक नहीं मिलेंगे जब तक पैदा बच्चा पैदा होने वाला नहीं है इसलिए हमारे इसमें भी कमरसट में दो गड्ढा और बीच में छेद होते ना एकर पानी ओमे ओकर पानी ओमे अर्थात शिव और पार्वती अर्थात स्त्री और पुरुष उसमें भी काशी डालते हैं उसमें भी खमार डालते हैं खमार डाल देना देखो ना खमार जब हमारे लड़का मर खेत थे ना अतना जर का खमार तो लड़का बच चला संभाल ओकरे का कमरसट वाले मन है खमार में डाल थे अभी कहो ना भावरा की माटी डाय भावरा में खेला वो ओकरे का भावरा भी डाल थे काशी भी डाल थे काशी जल्दी नष्ट नहीं होए
ओकरे गान कैसे है सिगरी दाई, एक काशी जैसा अमर रहे, मोर परिवार मोर बेटी बेटा काशी जैसे अमर रहे, ये हमारे कमरसट में देखने को मिलते हैं। और जो हमारी जो बेटियां जो बेटा जो किया है, ये आपके साक्षात है, हमारे पूर्वजों ने इसी को मानते थे, पर अलग अलग क्षेत्र में बंट गए हैं। अब कौन कौन पास है, अब पागल डालते, अब कारा डालते, मुर्रा पसहर चाहूं यहू कहा तो नहीं जी सब भटका दी थी, पर हमारा ये मानना है जो हमारे जो किलेदार है, ये बहुत बड़े हमारे गुड़ियान संस्कृति के पर्व है, संस्कृति है, उसको हमको मानना है। और जो अपने हाँ एक बात और बता दो, जो हमारे धर्म में कई लोग अलग अलग राग लेते हैं, नहीं अभी हमारे नितान साहब बताई बताई ये धर्म के संबंध में, दादाजी कहा धर्म वो है जिसको धारण किया जा सकता है, धर्म मतलब पानी है हवा है इनको बोले, पर आज हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, अभी जनगणना होने वाला है ना, एक संगठन वाले बोलते हैं भैया आपके धर्म में आदिवासी लिखना, अब बताइए, मैं नाम नहीं लूंगा भैया, नहीं बिल्कुल नाम लेने वाले नहीं, आप लोग समझदार है, समझने वाले के लिए सारा काफी है, नहीं एक संगठन का कहना है कि हर आदिवासी अपने धर्म में आदिवासी लिखे, और दूसरा बोलते हैं दूसरा संगठन बोलते हैं कि अपने धर्म में हिंदू लिखे, और तीसरा संगठन का कहना है कि आप अपने धर्म में गोंडी लिखे गोंडी लिखे गोंडी लिखे, कौन सा संगठन अच्छा है बताओ भला, मैं अच्छा नहीं कहूंगा, किस किस संगठन की विचार अच्छा है बताइए, आप बताइए, हमारे ही लोग बटे हुए हैं, पर क्या करें, कोई बोलता है हिंदी लिखो, कोई बोलते हैं सरना लिखो, अरे कोई सरना भाषा है, पर क्या करें, लोगों की समाज को गुमराह करके रख दिया है, हमारे बड़े बड़े लोग बोलते नहीं आदिवासी है तो आप अपने धर्म में आदिवासी लिखो, कई लोग तो गोडवाना की बात करो तो पेट में दर्द हो जाते, नहीं आदिवासी जरूर बोलते हैं भैया, ये संत राम है लेकिन संत राम के गांव नाम हो ही